आपके लिए, हम सबके लिए डरावनी चीजें सामान्यतः भूत पिशाच वगैरह ही हो सकते हैं, लेकिन क्या शहर भी डरावना हो सकता है? आप सोचेंगे शहर कैसे डरावना हो सकता है, लेकिन जनाब दुनिया का एक ऐसा भी शहर है जिसके सिर्फ नाम से ही सिहरन दौड़ जाती है, जिसका इतिहास बेहद ही भयानक है। हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग की। ये कोई आम शहर नहीं है। एडिनबर्ग की गिनती दुनिया के सबसे भयानक और डरावने शहरों में होती है। एडिनबर्ग का इतिहास खून से सना है। एडिनबर्ग का अतीत कई भीषण युद्धों की गवाही देता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, कईयों की जानें महामारी से चली गई। रही सही कसर यहाँ के अंधविश्वास ने निकाल दी। यहाँ अंधविश्वास के चलते लोगों को जलाया गया और कई रहस्यमयी मौतें भी हुई। एडिनबर्ग के पुराने शहरों में लोग भूतों के किस्से सुनाया करते थे। ओल्ड रिकी या ओल्ड स्मोकी नाम से मशहूर ये किस्से लेखकों द्वारा उनकी किताबों में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिनबर्ग की अंधेरी सकरी गलियां और तंग खड़ी सीढ़ियों की कहानियां लोगों को डरा देती हैं। बताया जाता है कि इस शहर की हवा में ही कुछ ऐसा है जो उनको अलग शक्ति का एहसास कराता है। यहाँ का माहौल लेखकों की कल्पना को चिंगारी देता है। यहाँ लोगों में विश्वास है कि पूर्व लॉर्ड एडवोकेट की आत्मा भटकती रहती है। यहाँ उनका मकबरा बनाया गया है। लोगों का कहना है कि एक बार एक बेघर शख्स उनके मकबरे में दाखिल हो गया। उसके ऐसे करने की वजह से लॉर्ड एडवोकेट की आत्मा नाराज हो गई और उस शख्स को एडवोकेट की आत्मा ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना के बाद कई लोगों को वहां किसी आत्मा के होने का एहसास हुआ। यहाँ इसी तरह के डरावने किस्सों ने कई लेखकों को प्रभावित किया। बेहद ही खतरनाक इतिहास को खुद में समाये इस शहर का वर्तमान बेहद अलग है। यहाँ पूरे साल त्योहारों का मौसम रहता है।